हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ बड़ोतरा की करली बाग तनिष्क स्टोर पे। यहाँ पे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देती हूँ। आप अगर वीडियो देखना ना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्यूटीफुल लेडीज़ इकट्ठा हुए हैं। ये सभी तनिष्क के कस्टमर हैं और कुछ कपल भी आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ गेम खेलने की बात कर रहे हैं जो कि है हाउजी, तो अभी गेम शुरू हो गया। ये मेरी क्यूट सी बेबी है और ये विवेक सर है, सेल्स डिपार्टमेंट की हेड है। ये सभी पार्टी वगैरह स्पॉन्सर करते हैं तनिष्क के। यहाँ पे हम सब बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। जब भगवान लेडी बना रहे थे तो नारद जी ने उनको टोका। नारद जी बोले कि भगवान आपने क्या बना दिया, इतनी सारी सॉफ्ट लेडी आपने बनाई, आपको तो सॉफ्ट वस्तु बनाई थी, तुम्हें लेडी बनाई थी और पृथ्वी पर केवी इतने जीव से आप नहीं जीवी सके, आपने बड़ी बर्डन मान आते। तो भगवान कहे छे बात तो सारी साची छे, अगर नारद मुनि अगर कंप्लेन करता हो भूल करता तो नारद मुनि नु भी इम्पोर्टेंस है ना, ये देव गुरु हता। तो भगवान ने थयो साची बात छे के नारद मुनि कई तो जोयो छे कि लेडीज़ बनाई ये सॉफ्ट छे अने एमने कई देखायो हशे तो ज कीधो, ले एमनी बात नु इम्पोर्टेंस जाण्यो भगवान। तो भगवान के साची बात छे, तो भगवान ने थोड़ी ताकत दी लेडी, इतनी बड़ी पावरफुल लेडीज थई गई। तो सीरियसली सांभळो जो जो सस्पेंस छे, એટલી બધી પાવરફુલ થઈ ગઈ લેડી। તો નારાજી ફરી બોલી કે પ્રભુ આ તો તમે બહુ પાવરફુલ કરી નાખી, તો આને થોડી કંટ્રોલ કરવી પડશે। તો ભગવાન કહે ના કે મે કંટ્રોલ કરી, બે હાથ તો એક થોડી કાપી નાખે, એક થોડી પગ કાપી નાખે। તો લેડીઝ ને બહુ બધી જગ્યાએ બાંધી ભગવાને। હવે ઇમ્પોર્ટન્સ પોઈન્ટ મેં આના આગલા પ્રોગ્રામમાં કર્યું છે, હવે સાંભળો ઇમ્પોર્ટન્સ પોઈન્ટ કે માથે ચોટલે બાંધી, કમરે કંદોરે બાંધી, નાકે નથણી થી કાને કુંડળ થી, પગે પાયલ થી, હાથે કંગન થી, આંગળીમાં રિંગ થી, બધી જગ્યાએ મોસ્ટલી માથે છોટે થી બાંધી દીધી। અત્યારે તો બધી બહુ જગ્યાએ લોકો આંખો થી ભી પકડી લીધું, રાઈટ, લિપસ્ટિક, બહુ જ બધી જગ્યાએ થી લેડીઝ ને એક બર્ડન આપે ભગવાને। એનું એક પણ અંગ એવું નથી કે જ્યાં તમે કોઈ વસ્તુ પહેરી ના હોય યા બાંધી ના હોય તો ભી કંટ્રોલમાં डॉक्टर લોપા છે અમારા રેગ્યુલર કસ્ટમર, એ પોતે પ્રોફેશનમાં ડોક્ટર છે અને બહુ જ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્સ પોઈન્ટ ખબર તમને, કદાચ એમનો નંબર કોકની જોડે હોય ને કદાચ તમે શેર કરો તેમના વિડીયો જોશો તમે તો એ જ તો ત્યાં તમને દેખાશે જ નહીં। સિરિયસલી લોપાબેન, આ બધાને આપણે અરેન્જ કર્યા છે, બે ગ્રુપ છે કદાચ તમે ઓળખતા હોય તો। અભી કુછ લવ કી ડેફિનેશન સુન લેતે હૈ। ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન, આજ મેં યહાં પે તનિષ્ક જ્વેલર્સ મે આઈ હું, મુજે ઇન્વાઇટ કિયા ગયા હૈ, તો મેં વૈસે ભી બહોત લવ ફીલ કર રહી હું ઓર મેરી સ્પેશિયલી પ્યાર કરને કે करने का इजहार करने के लिए ये डे है। ऐसा नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार करें उसको ही वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, पर आप मम्मी को भी वैलेंटाइन डे विश करते हो, पापा को भी विश कर सकते हो, अननोन पर्सन को भी आप ऐसे देख के फील कर सकते हो कि नहीं मुझे इसको हेल्प करनी है और वो हमें देख के खुश हो जाए, हम हेल्प करें या कुछ भी करें, वो भी एक प्यार है। ठीक है, तो वैलेंटाइन डे ऐसा एक डे है जहाँ पे हम एक दूसरे को नॉर्मली एकदम फ्री माइंड से इजहार कर सकें वैसे तो। और मैं मेरे वैसे तो मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे जी जान से प्यार करते हैं, मतलब मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे उनको वन साइड अभी पैरालिसिस है, पर एवरी दिवाली में जब न्यू ईयर होता है ना
वो पहले तो ऐसे बोलते कि इस बार ये है वो है थोड़ा प्रॉब्लम है, पर जब न्यू ईयर होता है ना उस दिन मुझे ज्वेलर्स में वो अपने आप जाके मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके ही आते, और ऐसे ही पैरालिसिस वाली हालत में भी उन्होंने पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट किए पैसे का ये वो, तो मुझे गोल्ड का बहुत शौक है। उनको क्या हुआ है? उनको कॉन्सर्ट पैरालिसिस क्यों हुआ है, क्योंकि उनको 10 साल से बीपी है, 35 एज, वी आर फ्रॉम सेम एज, हमारी लव मैरिज है, और उनको हमारी शादी से पहले ही ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, और उनको अप डाउन बहुत रहते थे। फिर हम लोग एक बार ओली घूमने के लिए गए थे, ओली के आने के बाद उनको रात के 3 बजे एकदम से ब्रेन स्ट्रोक आया, वो मुझे नहीं पता था कि वो ब्रेन स्ट्रोक है, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो एक हार्ट अटैक है। पर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए गए, ठीक है, तो बैक टू बैक उनको ब्रेन स्ट्रोक्स आने ही लगे, फिर उनकी बॉडी एकदम से जैसे बेहोशी हो गई, कुछ है ही नहीं। पर 3-4 महीने के बाद वो धीरे धीरे चलने लगे, फिर वो 3-4 महीने में इतना हमारा इनकम भी नहीं था, फिर भी उन्होंने दिवाली में मेरी हर ख्वाहिश पूरी है, मैंने बिना मांगे उनको बता दी कि मुझे नहीं चाहिए इस बार कुछ, आप पहले ठीक हो जाओ, फिर मेरे पास सब कुछ है, वही मेरा गहना है, वही मेरी ज्वेलरी, पर उन्होंने नहीं, उन्होंने सरप्राइजली पता नहीं कैसे अरेंज किया, ज्वेलर्स वाले को घर पे ही मेरे लिए गिफ्ट भेज दिए। तो वो एक प्यार होता है कि ऐसा नहीं, और आज भी देखो वो घर पे है, मेरी वेट कर रहे हैं, पर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आज तुझे खुश रहना है, तू खुश है तो मैं खुश हूँ, तू अच्छे से तैयार होके जा, ठीक है, सब फ्रेंड्स से मिल, वो भी एक प्यार है ना, फ्रेंड्स का भी एक अलग प्यार है, हस्बैंड का प्यार अलग है, बच्चे का प्यार अलग है, ठीक है। तो वो वैलेंटाइन डे इसलिए बना है कि हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के प्यार को समझ सके, बस मैं वही कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। इतनी सारी हैप्पीनेस जो हम आज लेके जा रहे हैं इन गिफ्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं। एग्जैक्टली, मैं वो मानता हूँ और मेरे हर एक प्रोग्राम में मैं यही बोलता हूँ, और इसी को ही एक्चुअल में प्यार कहते हैं। एग्जैक्टली, तो प्यार आई लव यू बोलना या किसी को एहसास करवाना नहीं। कल मुझे इन्होंने बहुत अच्छे से बिना रीजन के जप्पी की थी, उसको प्यार कहते हैं। जब हमारे फेस पे किसी की वजह से स्माइल आती है ना, उसको प्यार कहते हैं। प्यार जताना नहीं है, प्यार ऑटोमेटिक हमारी आंखों से दिखता है, किसी को हमें आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम प्यार बांटते हैं ना, हमें 100 गुना होके प्यार मिलता है मिलता ही जाता है। तो मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, पर हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है, आप में बहुत कुछ अच्छा है। थैंक यू, सीरियसली थैंक यू, प्लीज। अच्छा बहुत वखाण था, सीरियसली आज तुम्हारा वाइफ ने मड़ूद नहीं मारो वैलेंटाइन डे काले पूछते कि इतनी सारी लेडीज के बीच में इतना फोटोज क्यों है, तो मैंने घनी लेडीज पूछे तुम्हारी वाइफ कहीं खे नहीं, तो मैं उसको कह मैं तो कह छे खबरदार 25-30 फोटा लीधा वगैरह आयो छु, तो कारण के मारो 900 अगर ड्रिंक नो है तो मारा घर कलेक्शन क्यों है, अगर हूँ सिगरेट पीऊ छू तो मारा जोड़ शू है, तो मारू आ काम छे लेडीज की वच्चे रहेवानो, कारण के आ रोल छे लेडीज नो यार। ज्वेलरी कौन पे पत्नी नो प्रेम, भाई बहन नो प्रेम होय, माता नो होय, खास फ्रेंड नो होय, मारी खास फ्रेंड मारी दीराणी छे। अरे वाह, सीरियसली साची વાત છે, ફોટો નથી હું સેફટી પિન લેવા બજાર માં જો ને તો પણ એને લઈને જો, એ જાય તો એ મને લઈને જાય, આજે પણ એ મને લઈને આવી છે અને અમે કાયમ જ અહીં આવીએ છીએ। બીજી વાત કે મારા હસબન્ડ મને એટલો બધો પ્રેમ કરે છે ને કે મને મારી ફ્રેન્ડ સાથે મને તો ખબર જ છે દુબઈ મોકલી, એટલે મેં વિચાર્યું કે મને જવા દેશે કે નહીં, મેં કીધું હું જાઉં, જા સોનિયા જા જીલે અપની જિંદગી, મારી સિમરન સિમરન એમડા। મારા હસબન્ડ આર્મીમાં હતા, હમણાં 2 વર્ષ થયા છે, રિટાયર થયા છે, તો અમારી માટે મારે દર વર્ષે એ મારી માટે સરપ્રાઈઝ હોય, મને એવું કે મારે હવે હું તને કંઈ આપવાનું નથી, બરાબર, એક વસ્તુ આટલું જ છે કે હું તને આપવાનું નથી કંઈ પણ વસ્તુ, પણ એ દિવસે મારી માટે સરપ્રાઈઝ હોય મને વીંટી મળે, સોનાની વીંટી કાં તો ડાયમંડની વીંટી। ક્યારે થાય, જ્યારે એક છોકરું ભૂખ્યું છે આપણને એમ ફીલ થાય છે કે ના હું મારા પગનું એને આપી દઉં, ઇટ્સ લવ। થોડી દેર પહેલે જો કોમ્પિટિશન કિયા ગયા થા ઉસકા અભી પ્રાઇઝ દિયા જા રહા હૈ। ઓકે ચલ ગયા કરો, ફોન આ ગયા છે તમને ખબર, સર મારી સાથે છે।
તમારી સાથે ચીટિંગ થયું ને કડિયા આપણે એક ટીમ રાખી છે એમને સ્પ્રે ગિફ્ટ કરીએ છે જે નામ અમારા 89 ના મેમ્બર કા ગ્રુપ પેલી ક્યાં જઈ ગઈ રૂપાલી પાંચ નહીં હતી मैं सोची आपसे थोड़ा अभी मिल लूं तनिष्क की जो मंथली प्लान है उसके बारे में बोलने वाले हैं सर नमस्कार मैं पंकज पंत तनिष्क अलीबाग से और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं तनिष्क अलीबाग के अंदर और मैं बताना चाहूंगा आपको कि तनिष्क एक गोल्डन हार्वेस्टर के प्लान जारी किया था सन 2006 से भी पहले का यानी मैं कह भी सकता हूं कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए और एक गोल्डन हार्वेस्ट तनिष्क के 408 स्टोर हैं करंट में पूरे भारत से आप कहीं भी बैठे कर सकते हैं तो मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर हम साल के अंदर 5 ग्राम सोना खरीदते हैं तो उसके हिसाब से हमें 5,000 रुपये पर महीना करना चाहिए और 10 महीने का हमारा प्लान है 10 महीने में आपका जो अमाउंट तनिष्क के पास इकट्ठा होता है वो होता है 50,000 रुपये तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें एक बर्डन नहीं पड़ता माइंड के अंदर और हम साल के अंदर 4 बार तो परचेस करते ही हैं एक एनिवर्सरी बर्थडे किसी का जच्चा बच्चा और सबसे मोस्ट त्यौहार जो हमारा हिंदुओं को आता है उसे बोलते हैं धनतेरस पुष्प नक्षत्र तो मैं कहना चाहूँगा सभी से कि 50,000 के ऊपर कंपनी आपको 3,250 एक्स्ट्रा देती है यानी कि आपने जमा किए 50,000 रुपये और ख़रीदारी कर सकते हैं आप 53,250 की अगर मैं इसको लमसम लेके चलूं तो ये जितना भी मैटर है ये हमारे मेकिंग चार्ज की मान लीजिए अगर 10 ग्राम के ऊपर मेरे को 3,500 या 4,000 मेकिंग चार्ज पड़ता है और कंपनी 3,250 रुपये दे रही है तो मेरा मेकिंग चार्ज तो 70% चला ही गया तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हर एक शहर से हर भारत के लोगों से कि वीडियो शेयर करें कि सबका अधिकार है सोना लेना बट हम अपने पैसे का सदुपयोग करें और एक सिस्टम के अनुसार उस पैसे को खर्च करें कि गोल्ड में रेट कम नहीं हो सकता GST कम नहीं हो सकती तो क्यों ना हम मेकिंग चार्ज में बचाएं तो आप लोग इस चीज़ को गोल्डन हार्वेस्ट से इन्वेस्ट करें अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल में अबाउट में जाके आप पूछताछ कर सकते हैं और मैं पंकज पंत कारलीबाग वडोदरा से इस वक्त चल रहा हूँ तो मैं कहना चाहूँगा किसी भी स्टोर में चल के आप पता कर सकते हैं और मैं कहना सभी को बोलना चाहूँगा कि गोल्डन हार्वेस्ट में जरूर जोड़ें जय हिंद जय भारत यहाँ पे स्नैक्स वगैरह का अरेंजमेंट किया गया था सभी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे कुछ नेल आर्ट वगैरह हो रहा है तनिष्क के लिए धन्यवाद बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है ये थैंक यू हमें तो खास हुई है जल्दी आओ गर्मी गुजरातन चलो आप सभी को वैलेंटाइन डेज की सेलिब्रेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नए ज्वेलरी के साथ देखते रहिए धन्यवाद बार बार।